का है इस वक्तव्य से और छिंदवाड़ा नगर पालिका नगर निगम के रिजर्वेशन में अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन हुआ उसका विरोध करके कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ और कमलनाथ जी का भी चरित्र उजागर हुआ है कि वो अनुसूचित जनजाति विरोधी हैं। इसलिए इस बात पर मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस रिजर्वेशन का विरोध किया और छिंदवाड़ा के अंदर ट्राइबल 3.44 जो वहां का जो ओवरऑल जो वोटर्स है उसके आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनजाति क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वहां पर रिजर्वेशन अगर जनजाति क्षेत्र के उन जनप्रतिनिधियों के लिए हुआ है कि वहां का नगर निगम जनजातीय रिजर्वेशन के तौर पर बना, इसका तो स्वागत होना चाहिए था।